कांस्टेबल स्नेहा कुमारी 1 जून को अपने सरकारी क्वार्टर में मृत पाई गई थी। उनके परिजनों के अनुसार जिस स्थिति में उनकी लाश पड़ी हुई थी उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी मौत 48 घंटे पहले यानी 30 मई को हुई होगी। जाहिर है कि तब से लेकर इस मौत की गुत्थी उलझी हुई है। निष्पक्ष जांच की मांग के लिए मृतक स्नेहा के पिता विवेकानंद मंडल अनशन पर बैठे हुए हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 3 दिन से अनशन पर बैठे कांस्टेबल स्नेहा के पिता की मांग को अब आरजेडी ने भी समर्थन किया है। बिहार में मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। बता दें वारदात के 1 महीने होने को आ गए लेकिन अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। वही इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध माना जा रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं कि स्नेहा जिस बिहार पुलिस का हिस्सा थी वही पुलिस इस पूरे मामले को क्यों संदिग्ध बना रही है। आखिर पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है।